Oh boy. अबे यार ये पहनना इतना कसरत है इनको। ओके तो अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं। आज की डेस्टिनेशन फाइनल उदयपुर रहेगी। गूगल इज सेइंग इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 6.5 आवर्स। 400 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो कर करा के 7 घंटा तो लग ही जाएगा। इट्स ओके, अगर थोड़ा सही से चलाए तो जल्दी भी पहुंच सकते हैं। मैं सुबह का 5 बजे का जागा हुआ हूँ, बट मैं निकला नहीं बिकॉज फॉग के चक्कर में इट्स बेटर टू अवॉइड। तो मैंने सोचा चलो भाई थोड़ी देर आराम से उठेंगे और फिर दोपहर तक उदयपुर पहुँच ही जाएंगे। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। इट्स अ वेरी नाइस प्लेजेंट मॉर्निंग एज ऑफ नाउ। दिल्ली जैसी 4-5 डिग्री का टेम्परेचर नहीं है, जिस गुड विच मीन्स मेरे को ज़्यादा देर तक विंटर ग्लव नहीं पहनने पड़ेंगे। दे आर अ पेन टू ऑपरेट अ बाइक विद, नो वेरी फंक्शनल। ओके अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ली है। अभी अराउंड कितना बज रहा है, 9:46 हो रहे हैं। आई एक्सपेक्ट टू रीच उदयपुर बाय 1:30 or 2। तो अभी बैठेंगे थोड़ी मैगी वैगी खाएंगे, सुबह से नाश्ता नहीं करा है। अराउंड 2.5 घंटे होने वाले चलते हुए। बस थोड़ी देर में मैगी खा के मुलाकात होती है। थोड़ा बहुत स्नैकिंग कर ली। टैंक बैग अभी 10:30 हो चुके हैं। हरे राम, अब निकलने का टाइम आ गया है। अब थोड़ा लंबा स्टॉप लेंगे, इसके बाद चॉकलेट खा ली, समोसे खा लिए, यार गाजर का हलवा भी था मैंने, तो वो भी खा ही लेता हूँ साथ साथ में। अबे अंकल, अभी तक राइड अच्छी जा रही है, रोड एज एक्सपेक्टेड आर स्मूथ। इट्स राजस्थान सो दैट्स अ गिवन कि आगे रोड्स अच्छी होती हैं एंड प्रीटी स्ट्रेट, विच मेक्स इट काइंड ऑफ बोरिंग बट आफ्टर व्हाइल यू स्टार्ट लाइक यार कुछ तो इंटरेस्टिंग आ जाए, बट ना नथिंग एक्चुअली। थोड़े बहुत पहाड़, थोड़ा बहुत ये, थोड़ा बहुत वो, दैट्स इट। 10:30 हो रहे हैं तो उदयपुर आई शुड रीच बाय 1 or 2। उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बस एक बार रिफ़िल कराना है, मैंने साला रिफ़िल कराया था पर मेरे को पूरा 110% भरोसा है कि उस रिफ़िल वाले ने घोटाला कराया है, कल मेरा इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता फ्यूल। 100 किलोमीटर में मेरा फ्यूल आधा हो गया। व्हाट, 500 रुपये का डलवाने के बाद भी टैंक सही से नहीं भरा मेरा। स्ट्रेट रोड्स और ये साइड में थोड़ा बहुत ओ जय माता दी, ओ बॉय दैट वाजंट अ प्रीटी साइट। फ्यूलिंग स्टेशन ट्रक बेबे, प्लीज गेट अ साइट बेबे, मूव योर लक बेबे। ओ बॉय, हाँ अब टैंक भरा भरा सा है ना, अभी मेरी सर्विस लाइट ऑन है, क्या कर सकते हैं। बट एनीवे
हाँ, तो 110% मेरे को गारंटी है उस फ्यूल वाले ने गड़बड़ मारी है। इनके यहाँ पे 600 रुपये का मेरा टैंक फुल हो गया, वहाँ पे 500 रुपये में मेरा टैंक फुल नहीं हुआ। लाइक व्हाट, ₹800 में तो मैक्स टू मैक्स मेरा अगर रिजर्व पे जाती है उसके बाद जाके फुल होता है, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। फ्यूल पंप फट जाए उनका, कोई हो ना वहाँ पे, बट यू गेट द आइडिया। होटल से व्यू देखो साला, कुछ है ही नहीं। प्राइवेट लेक है हमारे पास, ये देखो। लोग बोलते हैं कि लेक चाहिए, लेक चाहिए भी होटल व्यू के पास, मेरे पास तो पहले से है सस्ते में। सामने थोड़े बहुत पहाड़ है, मोस्टली सारी लेक्स उस तरफ कहीं पड़ेंगी, बट हाँ वो भी देख ही लेंगे अभी। सो मेरा डे वन उदयपुर का सीन है कि आई प्रॉब्ली गो टू फतेह सागर लेक देखेंगे, बिकॉज आज थोड़ा सा ढीला दिन रेस्ट अप के लिए, और कल लेक पे चोला है, वहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए, और कल वहाँ का बनाएंगे। तभी बस यहाँ से निकलते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। सो अभी मैं हूँ लेक फतेह सागर में, अभी मैंने स्टेबलाइजर वगैरह नहीं लगाया हुआ है, बिकॉज अभी हम जाने वाले हैं स्पीड बोट में। ऑडियो थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज आई विल बी शूटिंग फ्रॉम माई गोप्रो, और वाटर प्रूफ वही है मेरा फोन वगैरह तो कुछ भी नहीं है। जय माता दी, जय माता दी। टॉप पे बैठेंगे एकदम। ओके, बोलना पड़ेगा कि ये स्पीड बोट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हो सके तो ट्राई कर लेना, इट्स अराउंड 5 मिनट्स के लिए 200 रुपये लगते हैं, बट इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। ठंडी ठंडी हवा लगती है, ठंडी ठंडी मोछारे पड़ती हैं, बट डू चेक इट आउट, फतेह सागर में पड़ती है ये। अब थोड़ा एक्वेरियम का चक्कर मारेंगे। ओके, सो अभी मैं ऐसी एक जगह पर हूँ जहाँ पर मेरे बंगाली दोस्तों को बहुत खुशी होगी। इट्स एन एक्वेरियम जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं। मछलियाँ हैं दिखानी तो वो भी दिखा देता हूँ मैं साथ साथ में थोड़ी बहुत। इट्स वे मोर क्रैम देन आई इमेजिन इट टू बी। ओ बॉय, ओ बॉय। अब हेलो फिशी, देयर इज अ क्यूट फिश बिसाइड मी एंड देयर इज अ फैटेस्ट फिश ऑन टॉप ऑफ मी। Not the most flattering oppositions I have been in. उसको देख के मेरी इतनी फटी, मैं क्या बताऊँ। अरे भाई यहाँ से बाहर निकलते हैं। जय माता दी। This place is way more cramped than I imagined it to be, but very very beautiful. In a way. ओके, सो टू बी ऑनेस्ट, फॉर अ प्लेस कॉल्ड भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम, इट वॉजन दैट बिग। एग्जिट मान लें, एग्जिट मान लें।
शाकिल यहाँ पे प्ले स्टेशन वी आर लगाए हुए थे, बट अदरवाइज आई गेस इट्स फाइन. द टिकट इज़ अराउंड 123 rupees. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई सो स्पेसिफिक, बट या अगर भी मछली नहीं देखी या भूख लगी है, यहाँ पे आके देख लेना क्या क्या है. एंड आई विल जस्ट रोम अराउंड अ बिट मोर अराउंड फतेह सागर और आपको भी एरिया दिखाते जाते हैं. ओके सो अभी अराउंड कुछ 4:30 हो रहे हैं, एक्वेरियम घूम लिया एंड अभी मैं फतेह सागर की पाल पे हूँ एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर शो गोइंग ऑन राइट नाउ. एज यू कैन सी मेरे पीछे हर जगह पे फूल वगैरह लगे हुए हैं एंड ओवर हेयर इज़ द लवली फतेह सागर. इफ़ यू सी दैट, दैट इज़ द सोलर ऑब्जर्वेटरी. टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा कंटेंट नहीं है, मैं तब भी दिखा देता हूँ अगर कभी किसी ने आना हो कि इस एरिया में क्या हो सकता है. मोस्टली यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता बिकॉज इट्स जस्ट अ स्ट्रेट रोड और अनलाइक आई थॉट ऑफ इट एज यू कुड से अ मरीन ड्राइव उदयपुर की, बट सो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे कुछ खास खाने को मिला नहीं और भूख बहुत लग रही है. लंच करा नहीं है तो उस चक्कर में थोड़ा सा दूर अराउंड 1 kilometer दूर यहाँ से चौपाटी है यहाँ की. आई थॉट कि यहाँ पे होगी बट आज नहीं लगी हुई, तो बस वहीं पे थोड़ा बहुत खाने का देखता हूँ कि क्या मिल सकता है. फिर थोड़ी देर बाद आपसे मुलाकात होगी. आज के लिए मेरे ख्याल से यहीं पे रैप अप करते हैं. पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना. अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आया गया तो थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन भी डाल देना यार. चलता है, बीच बीच में धूप लग रही है आँख में, तब भी देखो ब्लॉग कर रहा है आपका भाई. सो अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मैं अगली बार कहाँ जाना चाहिए तो जस्ट कमेंट बिलो. सो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. ओके सो करेंटली आई एम एट द वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी पैलेस. पीछे है मेरे पूरे, नहीं दिख रहा होगा अभी, बाद में दिखा दूंगा.